नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल IAS PCSSSC क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। आज हम मैथ के नंबर सिस्टम का पार्ट टू कवर करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए मित्रों। पहला क्वेश्चन, 1 और 1000 के बीच 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी हैं? बहुत ही आसान ट्रिक। 1 और 1000 के बीच 5 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो लास्ट संख्या है जो 1000, उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, और जो पहली संख्या है 1, उसको भी आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा? भाग देने पर कितना आएगा? 200। और 5 को जब 1 से डिवाइड 5 से जब 1 को डिवाइड करेंगे, जैसे ये देखिए, तो 5 0 0, तो कितना शेषफल बचेगा? 1। और हमें लेना है भागफल, ये कहलाता है भागफल, और यहाँ 1 क्या है? शेषफल। तो जो भी भागफल आ रहा है अंतिम और प्रारंभिक संख्या में 5 से डिवाइड करने पर, तो यहाँ पर देखिए कितना आया? 2000, वो 200। यहाँ पर कितना आया? 0। यदि अंतिम संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, पूर्ण रूप से डिवाइड हो गई, देखिए 5 से डिवाइड किया 1000 को, पूरा 200 आया भागफल, कोई शेषफल नहीं बचा, पूरी डिवाइड हो गई। तो जब पूरी डिवाइड हो जाए तो उसमें एक 1 माइनस कर दीजिए, अगर पूरी डिवाइड ना हो तो 1 से माइनस 1 मत करिए। तो ये आ जाएगा 200 में एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 199, 199 आ गया, 199 और 0, इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए क्योंकि बीच की निकालनी है, तो यह आ जाएगा 199। तो मित्रों हमने क्या किया, 1 से 1000 के बीच 5 से विभक्त होने वाली संख्या है, हमने 1000 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, कितना आया? 200। पूरी तरह से अंतिम संख्या यदि डिवाइड हो जाती है तो 1 से आप एक बार और माइनस कर दीजिए, ठीक, तो आ गया 199। अब पहली संख्या क्या थी? 1 को 5 से डिवाइड किया तो भागफल कितना आया? 0। अब 199 और 0 के बीच की संख्या निकालनी है, तो इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए। अब आप देखिए हमने 200 में एक माइनस क्यों किया, हमसे वो पूछ रहा है 1 से 1000 के बीच की पूछ रहा है, ठीक है, 1 और 1000 के बीच की संख्या पूछ रहा है, तो हमें बीच की निकालनी है, ना कि 1 को लेना है और ना 1000 को लेना है, ठीक है। अगर हमने 5 से डिवाइड किया था तो 200 आ रहा है पूरा, तो हमें 1000 की नहीं लेनी है, हमें 999 तक का लेना है, 2 से 999 तक। पहली संख्या तो 5 से पूरी तरह डिवाइड हुई ही नहीं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन अंतिम संख्या डिवाइड हो रही थी, इसीलिए हमें उससे पहले वाली लेना है। 1000 तो हो ही गई, 1000 को आप छोड़ेंगे तो -1 करना पड़ेगा, इसीलिए एक -1 यहाँ किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 से 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली संख्या, सेम उसी तरह करिए, 200 में 7 से डिवाइड करिए, कितना आएगा भागफल? 28। भागफल निकालना है, शेषफल नहीं, भागफल। और 10 में आप 7 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 1, ठीक है। अब हमने देख रहे हैं 7 से जब 200 को डिवाइड किया था तो भागफल कितना आया? 28। पूरी तरह से विभक्त नहीं हुई थी, शेषफल भी बचा है, तो जब पूरी तरह से विभक्त ना हो तो हम इसमें -1 नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब सीधा सीधा सा आंसर है, ना ये प्रारंभिक संख्या 7 से डिवाइड पूरी तरह हुई, ना 200 हुई डिवाइड, तो इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, आंसर ले लीजिए 27। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 10 और 1000 के बीच 3 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम उसी तरह 1000 को आप 3 से डिवाइड करिए,
और 10 को 3 से डिवाइड करिए। 1000 को 3 से डिवाइड किया, 333 पूरी तरह डिवाइड नहीं हुई, तो माइनस वन नहीं करेंगे। 10 में 3 से डिवाइड किया तो भागफल कितना आया, 3, ये भी पूरी तरह डिवाइड नहीं हुई। ओके, हमें 10 और 1000 के बीच की निकालनी है, 10 को भी छोड़ देना है और 1000 को भी छोड़ देना है। अब इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है, तो इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, 333 आंसर ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, 2000 और 3000 के बीच 7 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या है, बीच की निकालनी है, तो अंतिम संख्या क्या है, 3000। 3000 को 7 से डिवाइड करिए और 2000 को 7 से डिवाइड करिए। जब 7 से 3000 को डिवाइड किया, पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, भागफल आया 428। 2000 को 7 से डिवाइड किया, भागफल आया 285, ये भी पूरी तरह डिवाइड नहीं हुई, शेषफल इन दोनों में बचा हुआ है। तो इन दोनों को फिर माइनस कर दीजिए, क्योंकि बीच की निकालनी है, तो ये आप माइनस करने पर 143 आंसर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा, 200 से 600 के बीच 4, 5, 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या निकालिए। 4, 5, 6 से पूर्णतः विभक्त पूछ रहा है, एक से अधिक संख्याओं के बारे में जब पूछता है विभक्त होने के लिए, तो उनका लासा निकाल लेते हैं। लासा आ गया 60, यानी कि 200 और 600 के बीच 60 से विभक्त होने वाली संख्या है। अब आप अंतिम संख्या क्या है, 600, 600 में 60 से डिवाइड करिए और 200 में 60 से डिवाइड करिए। 600 में 7 से डिवाइड किया, कितना आया, 10, कितना आया, 10 आया। 200 में 7 60 से डिवाइड किया, कितना आया, 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, 10 में आप एक माइनस कर दीजिए। अब देखिए इसमें, ये 600 को जब आपने 60 से डिवाइड किया तो कितना आया, 10। 200 आपका 60 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो ये आएगा 3। ये जो पूरी तरह डिवाइड हो गया है, उसको आपको माइनस वन, उसमें से एक वन, एक माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आया, 9। अब ये 9 से 3 को माइनस करेंगे, ठीक है, 9 से 3 को माइनस किया, आंसर 6, यही करेक्ट आंसर है। अगर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो उसमें आप 1 जरूर माइनस करिए, चाहे प्रारंभिक संख्या हो और चाहे अंतिम संख्या हो, क्योंकि हमें निकालनी है, इन दोनों को छोड़ना है और हमें बीच की संख्या निकालनी है, ठीक है दोस्तों।